गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे सेफटेक टेक्निकल एनालिसिस में। आज हम निफ्टी और बैंक निफ्टी और कुछ स्टॉक की चर्चा करेंगे। उससे पहले मेरा इस वीडियो में जो भी स्टडी और एनालिसिस करते हैं ओनली एजुकेशनल लर्निंग पर्पज से, ना कि ट्रेडिंग पर्पज से। अगर आप ट्रेड करते हैं तो उसमें हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। जो भी ट्रेड करें अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के बेस पर ही ट्रेड करें, अपनी एनालिसिस के बेस पर। सेकेंड थिंग, इस वीडियो में मैं कोशिश करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को स्टडी और लर्निंग पर्पज से लेवल स्टडी कराया जाए, जिससे कि आप उस लेवल के बेस पर अपना व्यू अपना क्लियर कर सकते हैं। क्योंकि टेक्निकल चार्ट पे जो भी स्टडी होती है वो कंप्लीट इम्पोर्टेंट टारगेट नहीं हो पाता है, लेकिन हमारे इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से हम निफ्टी में एक ऐसा लेवल देते हैं जहां से ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आने की चांसेज होती है इंट्राडे चार्ट पे। तो आज हम निफ्टी की जो क्लोजिंग हुई है अच्छे खासे ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम के साथ में बढ़ोतरी हुई है कल के सेशन में, और लास्ट सेशन में आपने देखा है कि बैंक निफ्टी में भी थोड़ी सी निचले लेवल से अच्छा खासा 200-250 पॉइंट की तेजी देखी गई है। क्या ये तेजी सस्टेन करेगा? तो ये तेजी में भी आज भी थोड़ा सा सस्टेन करे, और यहाँ पे जो जिस तरीके से हमने नीचे से 3 वीक कंटिन्यू हम तेजी में देखा गया है और 3rd वीक चल रहा है, ये वाला हफ्ता थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग ही बंद होने के चांसेज है। इसलिए यहाँ पे बाइंग एक्चुअली इस लेवल पे 10,390 के ऊपर स्ट्रॉन्ग सिग्नल मिला है, लेकिन इसमें बाइंग स्ट्रेंथ नहीं है। ये एक्चुअली इनडिसाइसिव ट्रेंड है, यहाँ से एक्चुअली लेवल पता नहीं चल पा रहा है इन्वेस्टर को, ट्रेडर को, कि रियल में होने वाला क्या है। तो जिसको लॉन्ग टर्म की एनालिसिस कन्फर्म है वही यहाँ पे पोजिशन बना सकता है, क्योंकि एज फॉर एनालिसिस निफ्टी का जो करेक्टिव रैली चल रहा है ये कहाँ जाके रुकेगा ये एग्जैक्ट कहना मुश्किल है। एज फॉर फिबोनाची रिट्रेसमेंट ये 480 पे ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, 370 पे भी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था। तो जिस तरीके से अगर इसका 62% रिट्रेसमेंट होगा तो 600 के आसपास इसका रेजिस्टेंस मिलेगा, लेकिन मंथली हाई जो लेवल है 530-540 के आसपास मंथली कैंडल पे आप देखेंगे तो हाई भी रेजिस्टेंस की तरफ फेस कर सकता है। तो इस तरीके से एक्चुअली मार्केट अभी नो डायरेक्शन में है, लेकिन स्टॉक वाइज मूवमेंट अच्छा खासा चल रहा है, पार्टिकुलर स्टॉक में तेजी और मंदी देखी जा रही है। तो इसलिए इस मार्केट में ये बुल मार्केट के करेक्शन है, इसमें स्टॉक इन्वेस्टर के लिए बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है नीचे बाई करके ऊपर की तरफ सेल करें। जिस तरीके से पीएसयू बैंकों में तेजी देखी गई है, 15-20% तेजी देखी गई, और 2 दिनों से उसमें हम प्रॉफिट बुकिंग देख रहे हैं और शॉर्ट भी कल के सेशन में बना है। तो पीएसयू बैंकों में अभी अगर निचले लेवल पे बाई किया हुआ है तो पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग किया जा सकता है, आने वाले कुछ सेशन में और भी नीचे मिलने के चांसेज है। अब हम देखते हैं कि आज के कल के लेवल के बेसिस पर निफ्टी का क्या लेवल निकल के आया है, उसकी कंप्लीट लेवल स्टडी करेंगे वोलेटिलिटी के बेस पे, और कहां से अगर यहां इस लेवल पे अगर प्राइस रन कर रहा है तो यहां से कहां से रिवर्सल आ सकता है उसकी भी हम स्टडी करेंगे। तो जिस तरीके से गैन एंगल के हिसाब से 10,441 और 10,440 के नीचे अगर सस्टेन करता है तो टारगेट 1 जो है 10,425 पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा, जो पहले का हाई था, कल के प्रीवियस डे पहले मींस वेडनेसडे का जो हाई था 10,428 जो इसने कल पूरी तरीके से पार किया है ऊपरी लेवल पे, तो वो हमारा बहुत बड़ा सपोर्ट का काम करेगा। उसके नीचे जाए तो हम सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे, लेकिन आज के सेशन में 10,478 और 91 मींस कि 10,490 का लेवल एक बहुत बड़ा एक रेजिस्टेंस फेस करेगा। सेकंड थिंग मैं आप लोगों को शेयर करूं तो 9,951 से हम ऑलरेडी 500 पॉइंट चल चुके हैं, तो ये एक बहुत बड़ा ऑलरेडी तेजी देखी जा चुकी है। तो अगला जो मेरा एनालिसिस बोल रहा है कि ये 3rd वीक की तेजी ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाली है, हम जहां भी हाई बना दें 10,490 और 10,545 इसके चांसेज आज बहुत ही कम है, क्योंकि एक्चुअली लॉन्ग बिल्डअप हुआ है, 4-5% की ओपन इंटरेस्ट इसमें गेन हुआ है, अच्छे खासे वॉल्यूम भी है, 6% की वॉल्यूम भी है निफ्टी में। तो एक्चुअली निफ्टी में स्ट्रेंथ दिख रही है और कुछ स्टॉक भी इसको ऊपर की तरफ ले जाने की तैयारी कर रहे हैं। स्टॉक स्पेसिफिक अगर देखा जाए
तो कोटक बैंक में 1100 के ऊपर के लेवल से ये सस्टेन कर रहा है कंटिन्यू, तो कोटक बैंक में भी तेजी देखी जाएगी, लेकिन ये सारे तेजी कुछ दिनों के लिए हैं और उसके बाद एक करेक्शन आएगा एज फॉर माई एनालिसिस। गिरावट तो आना ही आना है, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक रहे। सबसे पहले स्टॉक इंडिकेट करेगा कि हम गिरने वाले हैं, निफ्टी बाद में करने वाला है। तो निफ्टी में अभी स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ को फॉलो कीजिए। स्ट्रेंथ के साथ अगर आप इस लेवल पे बाई नहीं कर किया है निचले लेवल पे, तो यहाँ बाई भी ना करें और पार्शियल प्रॉफिट बुक करते हुए निकल जाएं निफ्टी से, क्योंकि क्योंकि ये जो गिरावट आएगी शार्प गिरावट आएगी, हो सकता है ऊपर नीचे के जिगजैग पैटर्न चले। जो चौथा वीक होगा ये हम जिगजैग पैटर्न करेंगे, मींस ऊपर नीचे का गेम खेलेंगे। और फिफ्थ वीक मींस कि उसके बाद वाला वीक है, जो मैंने बोला है कि 21 अप्रैल तक एक पैनिक बॉटम बन सकता है। वो पैनिक बॉटम मींस 9951 के आसपास की बातें नहीं हो रही है, हो सकता है 10,220, 10,180 के आसपास एक बॉटम बने। फिर हम ऊपर की तरफ फर्स्ट वीक अब लास्ट वीक अब एक्सपायरी हो सकता है कि हम 300-400 के आसपास ही हम देखेंगे एक्सपायरी इस महीने का। अगर हम 100-200 के नीचे अगर एक बार के लिए आते हैं, तो हम हो सकता है निफ्टी में हम एक्सपायरी फिर से ऊपर की तरफ कोशिश करेंगे, और कोशिश करेंगे 400 के आसपास ही एक्सपायरी लेने का। तो 10,400 का लेवल एक बहुत बड़ा सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी बनेगा। मीन्स अगर अभी सपोर्ट है, अगर वो टूटेगा तो हम 200 के आसपास जाएंगे, और 200 के आसपास से आने के बाद हम 400 के आसपास। हाँ, वर्स्ट के सिनारियों में हम निफ्टी में अगर हम इस हफ्ते 520 के ऊपर क्लोज देते हैं, मीन्स आज की क्लोजिंग 520 के ऊपर होता है, तो ये ट्राई करेगा 600 के आसपास जाने के लिए। लेकिन कहाँ से रिवर्स होगा ये अभी कहना मुश्किल है, अभी एक दो दिन की तेज़ी और बाकी है। तो ये रहा हमारा निफ्टी का एनालिसिस। अब हम देखते हैं बैंक निफ्टी का क्या लेवल निकल के आया है। तो बैंक निफ्टी का लेवल जो है 25,240 पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है क्लोजिंग बेसिस पे। 25,250, 25,300 का एक लेवल जो है, इसके ऊपर क्लोज लेना बहुत ही मुश्किल है। 25,300 के ऊपर अगर क्लोज लेता है तो मैक्सिमम इसकी तेजी 25,800 तक आ सकता है। तो एज पर माय एनालिसिस यहाँ पे 25,300 और 25,800 के बीच में शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी देखी जा सकती है, और वहाँ से हम गिरेंगे मिनिमम 1000 पॉइंट की गिरावट देखा जाएगा, जो 24,180 तक बैंक निफ्टी को लेके आ सकता है। लेकिन ये मेरा अभी रिवर्स डायरेक्ट डाउन साइड का मूवमेंट नहीं आया है, इसलिए यहाँ से अभी शॉर्ट ना करें, अभी शॉर्ट नहीं करना है। जब तक निफ्टी में अभी जो लेवल है 480 के आसपास अगर हाई बना के बाजार में गिरावट आती है, 390 का लेवल टूटेगा, तो ही हम बैंक निफ्टी में शॉर्ट जा सकते हैं। तो बैंक निफ्टी का एक सपोर्ट जो है 24,850 के नीचे अगर यही हाई है, इसके आसपास 300-400 का अगर हाई बैंक निफ्टी बनाता है, 780 के आसपास स्ट्रॉन्ग सेल जनरेट होगा, वहाँ पे हम सेल कर सकते हैं बहुत ही 250-300 पॉइंट का स्टॉप लॉस ले करके, मीन्स 26,200 का स्टॉप लॉस लगा करके हम, जो आने वाला नहीं है एज पर माई लॉन्ग टर्म एनालिसिस, 26,200-300 के ऊपर ये सारे लेवल क्लोजिंग बेसिस पे होते हैं, उसके ऊपर क्लोजिंग लेना बहुत ही मुश्किल है। अगर उसका स्टॉप लॉस लगा के अगर 25,750 के आसपास स्पॉट के सारे लेवल होते हैं मेरे, इसके आसपास अगर बंद होता है लेवल आते हैं, तो हम पोजिशनली शॉर्ट कर सकते हैं 15 दिन के व्यू को लेकर के, और हम डाउन साइड वहाँ से कम 1500 पॉइंट की गिरावट हम देख सकते हैं 25,800 के लेवल से। अगर यहाँ से गिरावट आएगी तो ये जो लेवल है ब्रेकडाउन का जो लेवल है 24,850 के नीचे बंद होगा, तो हम एक बड़ी गिरावट देखेंगे, जो 1000 पॉइंट की गिरावट देखा जा सकता है। तो ये रहा निफ्टी और बैंक निफ्टी का लेवल एनालिसिस। अब आज के लिए जो स्टॉक स्पेसिफिक है, कल मैंने परसों के वीडियो में डिश टीवी का एनालिसिस किया था, जिसका मैंने टारगेट दिया था 80 रुपीज़ का, वो हमने कल अचीव किया है। और जुबिलेंट फूड वर्क को मैंने बोला था ऊपरी लेवल पे जाए 2500 30
के आसपास, तो वहाँ हम सेल कर सकते हैं। और बेस्ट सेलिंग लेवल जुबलेंट फूडवर्क का 2590 का है, 2590 पे हम 20-30 पॉइंट के लिए सेल कर सकते हैं। जुबलेंट फूडवर्क में इस लेवल पे बाई करना बिल्कुल ही गलत है, और लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी गलत है, क्योंकि इतना हाई वैल्यूएशन वाले स्टॉक को बाई नहीं करना चाहिए। ऊपरी लेवल पर जहाँ भी रेजिस्टेंस मिले, मेरी जो स्ट्रेटजी होती है गैन एंगल के हिसाब से, कि ऊपर के लेवल जो भी रेजिस्टेंस फेस करता है हम उसको वहाँ पे सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं, ना कि बाइंग अपॉर्चुनिटी। लेकिन नीचे से जब, क्योंकि स्ट्रेंथ अभी बाइंग मोड में है, तो नीचे से बाइंग आएंगे सारे स्टॉकों में, लेकिन ऊपर का जो रेजिस्टेंस होता है गैन एंगल के और वोलेटिलिटी के हिसाब से, उसको हम सेलिंग अपॉर्चुनिटी यूज करते हैं। तो इस तरीके से बाई सेल जनरेट होते हैं हमारे सॉफ्टवेयर के थ्रू। सेकेंड थिंग, इस वीडियो में जो भी मैंने स्टडी और एनालिसिस किया, ओनली एजुकेशनल लर्निंग पर्पज़ से, ना कि ट्रेडिंग पर्पज़ से। अगर आप ट्रेड करते हैं तो इसमें हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय।